गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का आप सबकी दुआओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने सोचा जो मेरी छोटी मोटी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर दी जाए, बिकॉज संडे इज अ फन डे और संडे को तो स्किन की केयर करनी ही चाहिए। तो जो भी मैं छोटी मोटी चीजें यूज करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, सॉरी। और गाइज देखें, सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है अपनी स्किन का ध्यान रखना। देख सकते हैं आप मेरी स्किन का कैसा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, आप यकीन करें इतना मेरे पास सामान है स्किन केयर का। लेकिन मजाल है कि मैं कुछ भी यूज करती हूँ और टाइम टू टाइम यूज करती हूँ, मतलब इतना कम यूज करने पे मेरा स्किन इतना प्यारा है। वो जो चीजें मैंने अभी अपने लिए मंगाई हुई है वो इतनी अच्छी है, इतना अच्छा उनका रिजल्ट है, मैं आपको जल्दी वो सब भी दिखाने वाली हूँ। बाकी अभी सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा स्किन केयर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने पिछले साल भी किया था, लेकिन जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मुझे, मतलब मैंने आपको शेयर नहीं किया बिकॉज तब मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी। लेकिन आपने मेरे इंस्टा की स्टोरी वगैरह में देखा होगा कि मैं कॉफी का कितना ज्यादा यूज करती हूँ। और एक बात बता दूं गाइस, कॉफी जितनी पीने में हम लोगों को फायदा करती है ना, उससे ज्यादा मतलब स्किन के ऊपर लगाने में भी कॉफी के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज मैं आपको जो भी अपनी स्किन की सारी चीजें दिखाऊंगी वो कॉफी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले ना हमने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, मतलब क्लीन कर लेना है, सॉरी मुझे माफ कर दें, माफी चाहती हूँ आपसे। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने ये कॉफी ली है थोड़ी सी, क्योंकि पहले हम स्किन को बिल्कुल क्लीन करेंगे। और साथ में ही मैंने लिया है ये रो मिल्क, जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। एक चम्मच मैंने रो मिल्क ऐड किया और इसको फिंगर से ही आपको अच्छे से मिला लेना है। तो कम से कम मतलब 10 मिनट तक ना आपने अपनी स्किन पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से इससे क्लीन करना है। आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी, जितने भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो गए होंगे स्किन पे, वो सब इससे रिमूव हो जाएंगे। और मैं किसी कॉफी के ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, आपको भी पता है। ये जो मतलब इसके रिजल्ट आपको खुद ही अभी मेरी स्किन पे दिख जाएंगे। अभी आप देख रहे होगे मेरी स्किन कितनी खराब हो रही है, और अभी आप देखना इससे क्लीन करूंगी ना कितनी प्यारी क्लीन होगी, कितना प्यारा रिजल्ट आएगा। कम से कम मतलब 10 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से इसको अपनी स्किन पे रब करना है, और थिक पेस्ट नहीं बनाना है आपने, बिल्कुल पतला सा पेस्ट बना लेना है इसका। मतलब कॉफी के इतने ज्यादा बेनिफिट हैं गाइस, मैं खुद हैरान हूं। मैं क्या मतलब सभी लोग फिदा है कॉफी के बेनिफिट्स पे। तो भाभी बहुत अच्छे से आपने स्किन को रब करना है। भाभी कोई हेयरबैंड दे दो प्यारी, भाभी फ्रिज पे से दे दो, लो ना ये रखा हुआ। हाँ हाँ ये दे दो, क्योंकि गाइस बाल फेस पे आ रहे हैं तो मैं इन्हें पीछे कर लेती हूँ पहले। याक लग रही हूँ मैं बाल पीछे करके। लेकिन अब जो चीजें मैंने अपना में यूज करती हूँ वो सारी चीजें मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी बताऊं, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत मुश्किल होता है यार स्किन का ध्यान रखना। लेकिन ये इतना फायदेमंद है कि आप इसको करने के बाद मेकअप करें, आप कुछ भी करें, आपके फेस पे इतना जबरदस्त एक मेकअप का भी ग्लो आएगा, लुक आएगी। आपने कहीं भी जाना है, मैं नहीं बोल रही हूँ डेली करें, लेकिन हफ्ते में 3 मरतबा तो जरूर ही करें इसको, 3 बार करना तो लाजमी है। तो बस अभी इसको अच्छे से करते, आप देख सकते हैं बहुत हद तक ही कितना मतलब स्किन क्लियर हो गई है सिर्फ इसे क्लीन करने से ही। तो आप अब ये जो है ना थोड़ा सा, ये जो मैंने इसको थोड़ा ज्यादा पेस्ट बनाया था ये मैंने बचा लिया है। अब मैं इसी के अंदर थोड़ी सी पिसी हुई
चीनी ऐड कर लूंगी इसको स्क्रब बनाने के लिए। अभी मैंने भाभी से चीनी पिसवाई है, पहले से नहीं पिसवाई थी, भूल गई थी मैं, मतलब मैंने उनको बोल दिया था, वो भूल गई थी, सॉरी। तो अभी वो पीस कर दे रही है, तो फिर वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये हमारा स्क्रब बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कितनी क्लियर स्किन हो गई है, देख रहे हो ना, दाने भी दिखने लगे मेरे फेस के। ये दाने नहीं है, इतने मच्छर हो रहे हैं ना गाइस, इतने मच्छर हो रहे हैं, दवाई लगा लो कुछ भी लगा लो, ये उन्होंने ही बिचारों ने, मेरे भाइयों ने काटा है मच्छरों ने। सब मैं इसके अंदर कर लूंगी थोड़ी सी शुगर ऐड, चीनी ऐड इसको स्क्रब बनाने के लिए। तो इस स्क्रब को भी आपने कम से कम 10 मिनट करना है अपने फेस के ऊपर। ये चीनी और शुगर और कॉफी, चीनी और शुगर और कह रही हूँ, इसमें चीनी है और दूध है और कॉफी है। आपने बहुत अच्छे से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही करते रहना है। इससे ना आपकी पूरी डेड स्किन जो होगी ना वो क्लियर हो जाएगी। कॉफी बहुत ही, मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई एक बहुत जबरदस्त नेमत है हम लोगों के लिए। वैसे तो अल्लाह की हर चीज ही, अल्लाह की बनाई हुई हर नेमत ही बहुत प्यारी है, लेकिन ये कॉफी कुछ ज्यादा ही प्यारी है, बहुत फायदे करती है। मैंने स्क्रब कर लिया, स्क्रब करने के बाद ना आपको नीम गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और अगर आपने नीम गर्म पानी से नहीं वॉश किया तो आपने अपनी टॉवल को हल्का सा गीला करना है, गर्म पानी में ही, हल्के गर्म पानी में, और बहुत अच्छे, क्योंकि ये ना टाइट करके, कॉफी जो होती है टाइट करके स्किन से निकलती है। और आप देख सकते हो कितना कोई, मतलब कितना फर्क आपको खुद ही लग रहा होगा। जनरली मैं, और मैं कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं कहीं से मैंने देखी और उठा के आपको बता दी, नहीं यार, मैं जब तक खुद से यूज नहीं करती हूँ तब तक आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। आप लोग कितने टाइम से मुझसे मांग रहे हो कि अज़रा आपका स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हमें दिखाओ, हमें देखने ये वो, तो वो चीजें भी मैं कब से यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं और अच्छे रिजल्ट उसके चाहती हूँ, मतलब मैं और दिन उनको यूज करना चाहती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और लेकिन वो बहुत जबरदस्त है, और उनका उस ब्रांड का सिरम जो मैं यूज करती हूँ वो तो भाई एक नंबर है, उस जैसा सिरम मुझे लगता नहीं कि कोई होगा। तो अब हमारा हमारी मतलब क्लीनिंग हो गई फेस की, हमारा स्क्रब हो गया, अब बाकी है पहले हमने ना भाप लेनी है 10 से 15 मिनट। अगर हमारा जो पुराना रिवायती काम है, मतलब जुगाड़ है, अगर आपके पास मशीन नहीं है, स्टीम लेने वाली मशीन नहीं है, स्टीमर आपके पास नहीं है, तो आप वही अपने भगोने में पानी गर्म करें और ऐसे टॉवल डाल लें और भाप ले लें, कोई मसला नहीं है, वो सबसे अच्छी भाप है जो हम बचपन में लिया करते थे। बाकी अगर आपके पास मशीन है तो आप 10 मिनट उससे अच्छे से भाप ले सकते हैं। गाइस 10 मिनट आपने इस तरह भाप लेनी है। और स्टीम लेके तो स्किन और भी ज्यादा प्यारी हो गई है। बस अब अपने स्किन को क्लियर करना है। अब लास्ट स्टेप हमारा बचा है फेस पैक का, तो उसके अंदर भी आपने बस ऐसे ही कॉफी लेनी है, थोड़ी सी ऐसे ही रो मिल्क लेना है, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर ऐड करना है बेसन।
ये हमने बेसन मिला लिया। और आप जो भी सीरम यूज करते हैं अपना, मैं अभी अपना सीरम दिखाऊंगी नहीं, तो वो भी इसमें थोड़ा सा मिला लें, क्योंकि मैं उस सीरम की वीडियोस वगैरह जो जो चीजें मैं यूज करती हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो अलग से बनाऊंगी। मम्मा मेरा सीरम देना थोड़ा सा। मैंने इसमें ऐड कर लिया है अपना सीरम, बेसन, सारी चीजें। अब ये हमारा पैक बन के हो गया तैयार। और अब अपने ये बहुत पतला सा पेस्ट बनाना है, मोटा पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत पतली पतली लेयर इसकी अपने फेस पे अपने लगा लेनी है, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। फिर से जाग उठा है दिल में जीने का अरमान, फिर से किया है आके किसी ने, मुझे तो गाने भी नहीं आते गाइस, आजकल मैं वाला गाना बहुत सुन रही हूँ। धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम। बस गाइस, आपने बहुत पतली सी लिया, कितनी गंदी दिख रही है, लेकिन अभी क्या करूं, आपके साथ शेयर भी तो करना है ना भाई सारी चीजें। तो बहुत पतला सा आपने लगा लेना है पूरे फेस पे, नेक पे, क्योंकि हमारे फेस के साथ साथ हमारी नेक भी अच्छी दिखनी चाहिए ना गाइस, तो अपनी नेक का भी ध्यान रखें। कुछ लोग करते हैं ना अपने फेस पे इतना मतलब मेकअप वेकअप कर लेते हैं, उनकी नेक अलग से ऐसे रह जाती है, तो ये चीजें मत किया करें। अपने फेस के साथ साथ अपनी गर्दन का, अपने चेहरे के साथ साथ अपनी गर्दन का भी अच्छे से ध्यान रखा करें। और जो मैंने इसका स्क्रब बनाया था ना, वो आप अपनी पूरी बॉडी के लिए भी इसका स्क्रब बना सकते हैं। मैं एम कैफीन का स्क्रब मंगाती हूँ, एम कैफीन का स्क्रब पूरा कॉफी का ही स्क्रब होता है वो तो, लेकिन सर्दियों में मैं ये खुद से बनाकर यूज करती हूँ घर में। और मैं मतलब मुझे कम से कम कॉफी का सामान यूज करते हुए 2 साल हो गए। मैं पहले एम कैफीन के प्रोडक्ट यूज करती थी, फिर मैंने एक जगह ये कहीं पे देखा किसी ने बनाया हुआ था, तो तब से मैंने उनका ये चिरा लिया लेकिन चिरा के अपने ऊपर आजमा के उसके बाद आपके साथ अब मैं ये शेयर कर रही हूँ। अब जब हमारे पैक लग गया, तो जब तक ये हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम बोल सकते हैं, इसको ड्राई होने के बाद हम नहीं बोल सकते हैं। आपको पता है फेस पैक लगा के बोलते नहीं है, तो तब तक करते हैं आओ बहन चुगली करें वो वाला हिसाब हम कर लेते हैं। देखिए मेरी ये मेरी फेवरेट नाइटी है गाइस, सबसे प्यारी नाइटी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी वही चलती रहे। बस ये हमारा आज का लास्ट स्टेप, यू नो क्रेजी आई एम। तो हम इसको ट्राई होने देते हैं, तब तक हम चुप रहते हैं तो वीडियो को रोक देते हैं। ये हमारा स्किन केयर, जो थोड़ा सर्दियों का स्किन केयर जो हमें करना चाहिए, हफ्ते में 3 बार आप ये करेंगे तो आपकी स्किन बहुत जबरदस्त हो जाएगी, पूरी स्किन की ड्राइनेस, डेडनेस, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। बिकॉज जब ये ड्राई हो जाता है स्क्रब या फिर फेस पैक, तो आप जब इसको ऐसे टाइटली निकालते हैं तो उसके साथ ही आपके ब्लैक हेड्स वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा रूटीन था, मतलब मेरा छोटा सा जो भी स्किन केयर रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं इसके साथ ही लगाने वाली हूँ ये मामा अर्थ का ओप्टन नरिशिंग कोल्ड क्रीम। आप कोई भी एक कोल्ड क्रीम मतलब मॉइस्चराइजर के तरीके से अपने फेस को बाद में मॉइस्चराइज करने के लिए लगा सकते हैं। मैं यही यूज करती हूँ विंटर्स में, तो मैं यही लगा रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो कुछ भी यूज करते हैं वो लगा सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपने यही वाली लगानी है, जो आप यूज करते हैं आपने वो वाली लगानी है। ओके गाइज, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि स्किन अभी कितनी क्लियर हो गई। और मैं बोलूंगी कि नहाने से पहले सर्दियों में आप ये स्किन केयर जरूर करें, आपके फेस पे एक बहुत प्यारा ग्लो आएगा इससे, और आपका जो सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है ना इंसान की, वो कुछ भी नहीं होगी, सब बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सा हो जाएगा। देख सकते हो आप स्किन कितनी क्लियर हो गई है मेरी अभी।
वाओ, इट्स कॉल्ड वाओ। सर्दियों का सबसे अच्छा स्किन केयर है गाइस, अगर आप लोग करें तो, आपकी बहन आपको बोल रही है तो अच्छा ही होगा ना, है ना भाई, क्योंकि मैंने यूज किया है। मेरा लिप और चिक टिंट जो है वो हो रहा है खत्म, तो हम अपनी माई ग्लैम की कलर पॉप लिप ग्लॉस जो है वो लगा लेंगे, बस हल्की हल्की। मेरे होंठ वैसे भी गुलाबी हैं, ज्यादा मुझे जरूरत है नहीं, थोड़ा सा गाल पे लगा लेंगे। तो जी presenting new Azra in front of you guys. गाइज जो बचा था वो मैंने भाभी को दे दिया था। 10 मिनट लगाना बस, ज्यादा नहीं लगाना। अच्छा आया ना ग्लो, कितनी क्लियर हो गई स्किन एकदम, मजाक से हटके बता रही हूँ, है ना। तो गाइज 100% रिजल्ट है, तो अच्छी लग रही है ना। इस तो कुछ सीरियस भी कहूँ तो तुम्हें मजाक ही लगता है। मुझे लगा भाभी आप मजाक कर रही हैं। तो गाइज आप जरूर ये ट्राई करें, बिकॉज बहुत अच्छे और बहुत इफेक्टिबल रिजल्ट हैं इसके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़ने की, ज्यादा से ज्यादा डेली व्लॉग्स बनाने की, सब कुछ करने की। तो आप भी फिर मुझे खुश करें ना, है ना। दू और लोगों से कहो कि हमारी आंटी का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, करो बोलो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।